पृथ्वी यादव जिंदाबाद 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 यादव जिंदाबाद 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 पृथ्वी यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो आपकी पार्टी ने दिया था, याचिका दिया था, उस पर अब सरकार को नोटिस हो गया है आरक्षण वाले मुद्दे। कैसे देखते हैं आपकी पार्टी की जीत है? देखिए, जो पिटिशनर है उनको भी हुआ है, और हमने तो शुरू से कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सड़क से लेकर के सदन और अदालत में भी इसके लिए लड़ना पड़े तो हम लोग लड़ेंगे, और किसी भी कीमत पर इसको शेड्यूल नाइन में जो है इस आरक्षण को हम लोग डलवा करके रहेंगे। तो हम लोग अपना सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पिटिशन डाला है और उस पर नोटिस हुआ है, और डेट आएगा तो उसमें हम लोग अपने तरफ से जो मजबूत पक्ष होगा हम लोग रखेंगे। तो इसमें जी एक सवाल यह है कि आपका ये कार्यकर्ता संवाद हुआ है थोड़ा अलग है, क्या लगता है पार्टी की मजबूती के लिए जरूरी था? नहीं नहीं, ऑब्वियसली भाई कार्यकर्ता जो है पार्टी के, कार्यकर्ता जो है ये पार्टी के बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, और उनसे नेता का डायरेक्ट इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है ताकि प्रॉपर फीडबैक पता चल सके। और हम लोग भी चाहते हैं कि संगठन को और मजबूत किया जाए आने वाले समय को लेकर के, मास पार्टी के साथ साथ कैडर की भी पार्टी हो राष्ट्रीय जनता दल, इस काम में हम लोग लगे हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी कार्यकर्ता, क्योंकि ये जो पहला जो हमारा जो कार्यक्रम है पूरे बिहार में जो हम लोग घूमेंगे, ये कार्यकर्ता संवाद होगा। इसके बाद नवम्बर दिसंबर में हम लोग जनता के बीच फिर दोबारा जो है संगठन को मजबूत करके उनके बीच में।